सो गाइस, दिस इज़ द चिलर रूम। और गाड़ी आती है एंग्रो की, वो यहाँ से दूध उठाती है कंपनी की। और इसके अलावा यहाँ पे एसिड है, 7 अल्कोहल है, और ये गड़बड़ मशीन है जिसमें फैट लगाते हैं, एलआर चेक करते हैं मिल्की, और लैक्टोमीटर पड़ा है इधर, इससे एलआर चेक करते हैं। और इसके अलावा 500 लीटर का ये चिल्लर है, अभी तकरीबन 250 लीटर इसमें आ जाता है, और बाकी ये एम्प्टी रहता है। तो आई थॉट कि मैं आज आपको मिल्क जो वो सेलिंग प्रोसेस है वो दिखा दूं। तो इसके अलावा हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं हर चीज़ का, मिल्क का डेली कितना जाता है, और कंपनी भी है, कंपनी का एक कार्ड होता है जो कि स्कैन होता है जिससे हमारा अकाउंट बना होता है। ऑल पर्स, बेसिकली ऑल पर्स इससे बनता ही है जो दूध हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल पर्स मिल्क जो आप पीते हैं, तो बेसिकली वो इस मिल्क से बनता है। तो इसकी फैट एलआर बहुत अच्छी होती है। तो अपना यहाँ पे फार्म के ऊपर ये सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे कोई कमर्शियल किसी का दूध नहीं होता, सिर्फ फार्म की प्रोडक्शन होती है। तो इसके अलावा अर्थिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, अगर किसी को बिजली वगैरह पकड़े तो वो ब्रेकर जो है वहाँ से खुद ही ट्रिप हो जाए। तो इस तरह का सिस्टम है ये चिलर रूम का, जो मिल्क समझो यहाँ हमारा प्रोसेस यहाँ तक होता है। जिस तरह की ये मिल्किंग मशीन है, ये पुरानी मिल्किंग मशीन है हमारी, तो अभी नई मिल्किंग मशीन से हम मिल्क निकालते हैं, तो पुरानी भी ठीक है लेकिन इसको हमने बैकअप के लिए रखा हुआ है। अभी हम जो मिल्किंग मशीन से मिल्क निकालते हैं, फिर चिलर में डाल देते हैं, यहाँ पे चिल करते हैं उसे, उसका 3-4 टेम्परेचर करते हैं, और फिर कंपनी वाले इसको आगे उठा के ले जाते हैं। तो ये था सिस्टम सारा, मैंने सोचा आज आपको ये सिस्टम दिखा दूँ। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।